भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए। उनके अंगूठे में चोट लग गई थी और यह कहा जा रहा है कि शायद वो वर्ल्ड कप से पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे। इस खबर से क्रिकेट फैंस में मायूसी छा गई थी, लेकिन अब ये खबर आई है कि वो पूरी तरह से ठीक है और प्रोटियाज के खिलाफ इस वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में खेलेंगे। पीटीआई के एक सूत्र के मुताबिक बल्लेबाजी की प्रैक्टिस के दौरान विराट का अंगूठा चोटिल हो गया था, लेकिन वो अब ठीक हैं और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। विराट कोहली 1 जून को प्रैक्टिस मैच के दौरान घायल हो गए थे और उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। इसके बाद भारत के फिजियोथेरेपिस्ट पैट्रिक फरहाट ने उनका इलाज किया था। फरहाट ने उनके अंगूठे पर दवा लगाने के बाद टेप चिपका दिया था। बादा में विराट को बर्फ से भरे ग्लास में अंगूठा डालकर मैदान से बाहर जाते देखा गया था। भारतीय क्रिकेट टीम को पहला मैच अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी चोट की समस्या से परेशान है। टीम के ऑलराउंडर विजय शंकर कोहनी में चोट लगने की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले अभ्यास मैच में नहीं खेल पाए थे। केदार जाधव आईपीएल के दौरान कंधे में चोट खा बैठे थे, हालांकि उन्हें 1 जून को अभ्यास मैच करते देखा गया था। इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो प्रोटियाज के खिलाफ होने वाले पहले मैच से पहले ही फिट हो जाएंगे। केदार अपनी चोट की वजह से न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ दोनों अभ्यास मैच में हिस्सा नहीं ले पाए थे। टीम इंडिया ने 2 जून को अभ्यास नहीं किया और आराम किया। भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में 2 अभ्यास मैच खेले थे। पहले मैच में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 विकेट से हार मिली थी, जबकि दूसरे मैच में टीम ने वापसी की और बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराया। इस मैच में लोकेश राहुल और धोनी ने शतकीय पारी खेली थी।